दोस्तों, क्या आप लोग भी YouTube से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और आप लोग का जो वीडियो है वो डाउनलोड नहीं होता है, तो आप लोग किस प्रकार से अपनी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे जो है आप लोग YouTube की वीडियो को काफ़ी ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो एक वीडियो को और ले लेता हूं, तो देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है वो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूं सबसे पहले कि आखिर क्या रीज़न है कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है उसका सिर्फ दो रीज़न होता है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि अगर आप लोग जो है यूट्यूब पर कोई ऐसा सेटिंग किए हो जिससे कि ये इशू आती है, तब ये इशू आएगी। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों? कि आप लोग जो है प्रेशर पे जाके किसी भी VPN नाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो और आप लोग क्या करते हो कि इसे कनेक्ट कर देते हो, तो इसे होता ये है कि जो डाउनलोड हुआ वीडियो है वो ऑटोमेटिकली जो है ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा हो गया रीज़न। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सिंपल सा हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा लाइब्रेरी के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एक ऑप्शन है डाउनलोड का, डाउनलोड पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री डॉट का, थ्री डॉट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाउनलोड और वाईफाई ओनली। तो आपको इसे सिंपल सा इसे वहाँ से ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक वीडियो के थ्री डॉट पे क्लिक करना है और एक बार पॉज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग का जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो कि जो हमारा वीडियो है वो 0% है, यानी हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा जो इशू है वो 100% सॉल्व हो सकता है। तो बस आपको यही करना है, देख सकते हो कि 1% हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं।